हेलो। हाँ दोस्तों, और फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल GS स्टडी 94 और मयस। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमृत योजना की। तो दोस्तों, ये हमारे लिए चूंकि इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों अभी जो सन 2017 का UPPCS हुआ था उसमें एक क्वेश्चन अमृत योजना से संबंधित पूछा था। तो दोस्तों, अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें जितनी भी योजनाएं हैं उनके बारे में एक गहराई से अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है, और उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम बता दें अमृत योजना है क्या। तो दोस्तों, अमृत योजना का कह लीजिए आप, इसकी शुरुआत सन 2015 में जब BJP गवर्नमेंट आई थी तभी केंद्र सरकार के पहल पे किया गया था, और इसकी शुरुआत राजधानी में की गई थी। दोस्तों, जो अमृत योजना है इसकी शुरुआत इस उद्देश्य से की गई कि जो छोटे मोटे शहर, कस्बे या गांव हैं जिन्हें वहाँ की विशेष कमेटी के द्वारा चिन्हित किया जाएगा, और वहाँ की जो बुनियादी जो वहाँ पे विकसित की जानी चाहिए, जो सुविधाएं हैं वहाँ पे स्थापित होंगी। जैसे अगर हम बुनियादी सुविधाओं की बात करें दोस्तों, तो उसमें है आपका बिजली है, पीने योग्य पानी है, कचरे से संबंधित चीज़ें हैं, और आप सीवर ले सकते हैं दोस्तों, वर्षा जल संचयन ले सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, बच्चों के लिए पार्क ले सकते हैं, अच्छी सड़क और चारों तरफ हरियाली जैसी आदि चीज़ें विकसित की जाएंगी। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले देखिए, इस पे लिखा है प्रधानमंत्री ने कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन का ऐलान राजधानी में किया। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार छोटे शहरों व कस्बों को या फिर शहरों के कुछ अनुभागों को चुनेगी और वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं स्थापित करेगी। मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उसके बाद है दोस्तों, इस अमृत योजना ऐलान के बाद हर कोई यही सोच रहा कि अटल मिशन के अंतर्गत बनने वाले मोहल्ले एवं मकान आदि कैसे होंगे, इस मिशन के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी और आम जन के किस वर्ग को इसका लाभ मिलेगा। अमृत योजना के अंतर्गत जिन कस्बों या क्षेत्रों को चुना जाएगा वहाँ बुनियादी सुविधाएं जैसे बिजली, पानी की सप्लाई, सीवर मैनेजमेंट, कूड़ा प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, ट्रांसपोर्ट, बच्चों के लिए पार्क, अच्छी सड़क और चारों तरफ हरियाली आदि विकसित की जाएगी। इसके अतिरिक्त ई गवर्नेंस के माध्यम से कई ऐसी सुविधाएं दी जाएंगी जो लोगों के जीवन को सुगम बनाएंगी। हर क्षेत्र के अंतर्गत नगर निकाय की कमेटियां होंगी जो इस परियोजना को सफल बनाने की जिम्मेदारी उठाएंगी। अमृत से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी चाहिए, कस्बों का कायाकल्प करने वाली इस परियोजना का हर क्षेत्र में नियमित रूप से ऑडिट किया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स आदि सभी सुविधाएं ई गवर्नेंस के माध्यम से सुनिश्चित की जाएंगी। जो राज्य बेहतर ढंग से इस परियोजना को आगे बढ़ाएंगे उनके लिए बजट में 10% तक का आवंटन किया जाएगा। हाँ जी दोस्तों, इसका मतलब ये है कि देखिए लिखा है 10% का आवंटन किया जाएगा। दोस्तों, जो राज्य इसे बखूबी अपनी जिम्मेदारी से निभाएंगे उन्हें दोस्तों आने वाले जो जो परियोजनाएं होंगी राज्य से संबंधित उनमें उन्हें 10% का आवंटन किया जाएगा, स्पेशल प्रिविलेज दिया जाएगा। उसके बाद है दोस्तों, उन पहाड़ी इलाकों व द्वीपों पर लागू होगी जहाँ पर्यटन का स्कोप ज़्यादा है, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश हुआ, सिक्किम हुआ, ठीक है, जम्मू कश्मीर हुआ, उत्तराखंड हुआ। जिन राज्यों की सरकारें इसे अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगी उनके लिए बजट आवंटन भी बढ़ा दिया जाएगा। अमृत योजना के अंतर्गत भी परियोजनाएं भी आएंगी जो JNNURAM के अंतर्गत अधूरी रह गई हैं। अमृत के अंतर्गत JNNURAM की अधूरी परियोजनाओं को सन 2017 तक पूरा किया जाएगा। छोटे शहरों एवं कस्बों में भी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी बहुत समस्याएं हैं एवं उनके लिए कुछ खास प्रबंध नहीं, बहुत सी समस्याएं हैं जिनको लेकर शहरों एवं कस्बों के लोगों को बहुत सारी समस्याएं थी, जैसे पेयजल, बिजली, परिवहन इत्यादि। लेकिन मोदी सरकार ने आते इन सब समस्याओं के निराकरण के लिए बहुत ही अच्छी सुविधा की घोषणा की जिसका नाम है अमृत योजना। यह मोदी सरकार का बहुत अनूठा प्रयास है शहरी एवं कस्बों के संपूर्ण विकास के लिए। प्रधानमंत्री श्री
नरेंद्र मोदी जी ने कायाकल्प एवं शहरी रूपांतरण के लिए इस अटल मिशन अमृत योजना का ऐलान राजधानी में किया। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार छोटे शहरों को, कस्बों को या फिर शहरों के कुछ अनुभागों को चुनेगी, वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं स्थापित करेगी। मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए 5,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री अमृत योजना का पूरा नाम अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 को लॉन्च किया था। इस मिशन का उद्देश्य देश के सभी शहरों में पानी की जलपूर्ति और सीवेज कनेक्शन प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2015 से 5 वर्ष के लिए अमृत पर 5,000 करोड़ खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।